नमस्कार, CCL D20 सीरीज में आपका स्वागत है। दिवाली के दिन आसमान को जादुई सा लगता है, एक छोटे से रॉकेट से कई सारे तारे निकलते हैं। आज हम कुछ ऐसा ही जादू इस पेपर के साथ भी देखेंगे। अगर इस पेपर से एक तारा निकालना हो तो कई सारे कट्स करने पड़ते हैं, लेकिन अगर हमने इस पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया तो सिर्फ एक कट और ये तारा बाहर आ जाता है। इतना ही नहीं, सिर्फ सिंगल कट से हम ये सारे लेटर्स काट के हमारा हैप्पी दिवाली भी बाहर निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोल्डिंग पैटर्न को आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। पैटर्न के अनुसार डॉट और लाइन वाले मार्किंग पे हमें माउंटेन फोल्ड या इस तरीके से ऊपर वाला फोल्ड करना है। सिर्फ लाइन वाले मार्किंग पे हमें वैली फोल्ड या ऐसे नीचे की ओर वाला फोल्ड करना है। ऐसे सारे फोल्ड्स हो जाने पर हमारे शेप के सारे बाउंड्रीज एक के ऊपर एक आ जाएंगे। फिर बस एक कट और हमारा शेप बाहर। लेकिन क्या हम ये कोई भी शेप के साथ कर सकते हैं? कुछ प्रोफेसर्स ने ये प्रूव करके दिखाया है कि कोई भी सीधी लाइनों से बने हुए शेप को हम सिर्फ एक कट से बाहर निकाल सकते हैं। इस सिंगल कट के गणित को हम एक रेक्टेंगल की मदद से समझ सकते हैं। एक पेपर से रेक्टेंगल काटना हो तो चार कट करने पड़ेंगे। यदि हम रेक्टेंगल को इसके बीच वाले लाइन से फोल्ड करें तो फोर्थ लाइन और सेकेंड लाइन एक के ऊपर एक आ जाते हैं और हमारा काटने की संख्या एक से कम हो जाती है। फिर से एक फोल्ड इस सेंटर लाइन के अलोंग किया तो हमारा रेक्टेंगल अब सिर्फ दो कट में बाहर आ जाता है। अब बचे हुए दो एडजेसेंट यानी ये आजू बाजू वाले साइड्स को एक के ऊपर एक रखा तो आप देखेंगे कि फोल्ड इन साइड्स के बीच के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होता है। तो बस एक कट अब मारा और पूरा रेक्टेंगल बाहर। तो ज्योमेट्री के इस खेल से आप अपने दिवाली को सजा सकते हैं। हैप्पी दिवाली।